Mix by Ankit Raj, DJ. सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित बिंदास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको नेम डीजे सॉन्ग रिमिक्स करके बताने वाला हूं अपने नाम के डीजे सॉन्ग कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान तरीका से अपने मोबाइल से बना सकते हैं। कई लोग को लगता होगा डीजे सॉन्ग कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है और इसे डीजे सॉन्ग बनाया जाता है, अपने मोबाइल के द्वारा आप बना सकते हैं अपने नाम का डीजे सॉन्ग, बहुत ही अच्छे एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाता होगा तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा मुझे सपोर्ट का ज्यादा जरूरत है तो बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ नेम डीजे सॉन्ग बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा। पहला एप्लीकेशन का नाम है क्रायन मास्टर एप्लीकेशन और दूसरा जो है टेक्स्ट टू स्पीच का। इस एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन को आप जब डाउनलोडिंग कर लेते हैं तो अपने नाम का डीजे सॉन्ग आप बेस्ट बना सकते हैं। एक उसके लिए इफेक्ट डाउनलोडिंग करना पड़ेगा, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बहुत आसान तरीका डाउनलोडिंग कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे क्रायन मास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग किया, उसमें बटन मार्क आते हैं। तो ये क्रायन मास्टर पे एक वीडियो मैंने बताया कहाँ से बिना बटन मार्क के और फ्री वाला एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर सकते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देखकर और क्रायन मास्टर बिना बटन मार्क के डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करना है इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो पहले दोस्तों, आप टेक्स्ट ऑफ स्पीच को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद कुछ इसमें सेटिंग करना पड़ेगा, तो आपको ओपन करिएगा तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना, पहले हिंदी और इंडिया कर लेना है। तो आप बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाता है तो आपको हिंदी और इंडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर लिख देना है जैसे कि अपने नाम को बनाना चाहते हो अंकित डीजे, तो वहां पे मैं लिख देता हूं अंकित राज डीजे। अंकित राज डीजे मैंने लिखने के बाद दोस्तों, जैसे कि मैं इस पे अब बजाकर सुन लेता हूं कैसा लगता है, तो मैं इसको बजाता हूं पहले। अंकित राज डीजे, तो वहाँ पे देख लें दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीका से बोलो अंकित राज डीजे। तो इसको जब हो जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, तो मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर एस पे क्लिक कर देना है। तो पहला तो काम आपका हो गया, तो यहाँ पे मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद दोस्तों, अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन चालू रहेगा तो मैं जो क्रायन मास्टर एप्लीकेशन है वो स्लो काम करेगा। तो मैं अपने फिर जब वो सेव हो जाए तो अपने क्रायन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, तो मैं इसे अपने क्रायन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका मोबाइल में देखने के लिए मिलेगा। तो फिर मैं आपको जीरो से सिखाने वाला हूं, शुरू से जिसे कहते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना, प्लस वाले पे क्लिक करना है, प्लस वाला पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं इसे फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका मोबाइल में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मीडिया वाले पे क्लिक कर देना है। तो मीडिया वाला पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना, फर्स्ट नंबर में जो बैकग्राउंड मिल जाता है आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ले लेना है, तो मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आपका जितना सेकंड का सॉन्ग है उतना सेकंड का इसे कर लीजिएगा बड़ा। तो आप करने के बाद, मैं बताने के लिए थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, तो इसे अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों, आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, रियल पे क्लिक कर देना। रियल पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको फर्स्ट नंबर मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो इफेक्ट आपको, ये सब इफेक्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इससे जाके आप डाउनलोडिंग कर लीजिए अपने इफेक्ट को, बहुत ही अच्छे तरीका से बराबर ऐसे कर लेना है। करने के बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको अभी मोबाइल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर बात करते हैं पहले दोस्तों को आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको फर्स्ट नंबर में आपको आईडियो पे जाना है। आईडियो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे गाना जो सा भी हो सिलेक्ट कर लेना, तो मैं यहाँ पे एक गाना सिलेक्ट कर,
यहाँ पे गाना सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे गाना नहीं मिलता तो नीचे जाना, अपने फाइल में जाके सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इस गाना को अपने हिसाब से ले लेता हूँ और इस यहाँ पे अपने हिसाब से बड़ा कर दीजिएगा, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ सभी को, मैं यहाँ पे पहले कट कर देता हूँ, कैचे पे जाना है, फिर यहाँ पे कट कर देना है। तो अपने हिसाब से जब बड़ा हो जाए तो यहाँ पे आप क्या करिएगा दोस्तों, पहले यहाँ पे आपको डीजे लिखना, मतलब डीजे कैसे बनाना जो बताने वाला हूँ। तो आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करना है, जो टेक्स्ट लिखा है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डी लिखना है, डी लिखने के बाद आपको इससे बड़ा कर लेना है। तो आप बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे एज लिखा हुआ है इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसे चेंज कर देना था कि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो गया और देखने में भी अच्छा लगने लगा। इसे भी अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है जितना बड़ा बनाना चाहते हैं। फिर आपको रेड पे क्लिक करना, फिर से टेक्स्ट पे चले जाना, फिर से आपको जे ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों फिर से उसी प्रकार से आपको सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद फिर से आपको नहीं बड़ा कर लेना है जितना बड़ा आपका था। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से रेयर पे क्लिक कर देना है। रेयर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बीच में पहले फोटो लगा लेता हूँ, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद मैंने जौन सा फोटो लगाया था वो फोटो को ले लेता हूँ। यहाँ पे अपना भी फोटो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो मैं वही फोटो को आपको लगा कर दिखाऊंगा, कोई लोग कहते हैं कि वैसा नहीं बनाया तू। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करना है, क्रॉप पे चले जाना। क्रॉप पे जाने के बाद दोस्तों, क्रॉपिंग पे जाने के बाद फिर से इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद इससे अपने हिसाब से पहले क्रॉप कर लेना। मैं इसे क्रॉप करने के बाद देख सकते हैं मेरा फोटो क्रॉप हो गया। फिर से आपको इसे बड़ा कर देना, जितना बड़ा था उतना बड़ा कर दिए। करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, इसे बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे इसे अपने हिसाब से सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से सेव कर लिया। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं बजा कर दिखाता हूँ। पे दिक्कत क्या हो रहा है, जो इफेक्ट में भी सॉन्ग है वो भी बज रहा है और सॉन्ग मैंने लगाया वो भी बज रहा है। तो अपने इफेक्ट पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे टेक्स्ट साउंड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अपने यहाँ पे साउंड को बंद कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड पे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये साउंड बैकग्राउंड वाला बंद हो जाएगा। तो होने के बाद फिर से मैं सॉन्ग सुनाता हूँ। वहाँ पे देख सकते हैं सॉन्ग सुन गया। तो अपने नाम का आप डीजे कैसे लगा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी लगाना है वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे मान के चले मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, तो आपको इस ऐप पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ऑडियो पे चले जाना। ऑडियो पे जाता हूँ तो आपको नीचे की ओर जाना है। तो मैं यहाँ पे नीचे की ओर जाता हूँ तो वहाँ पे आपको जो अंकिता डीजे आप सेव किए थे वो आ जाएगा। तो वहाँ पे देख सकते हैं माई वॉइस करके लिखा गया है, तो वहाँ पे आपको माई वॉइस पे क्लिक करता हूँ पहले। अंकित राज डीजे, तो यहाँ पे देख लिए अंकित दास डीजे बोला। आपको इसे लेने के लिए प्लस पे क्लिक करना है, तो प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया अंकित दास डीजे। फिर आपको जहाँ लगाना उसी प्रकार से इस पर भी क्लिक कर देना। आपको जहाँ जहाँ सेट करना है या नंबर देना है आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। तो करने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से हैं दोस्तों अपने वॉइस को, जैसे कि जिस बिल्ली का आवाज़ में, रोबोट का आवाज़ में जैसा सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर मान कर चलिए आपको अच्छे से आवाज़ को अपना रिमिक्स कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे लगेगा। तो पे मैं बजा कर पहले दिखाता हूं आपको। आपको यहां पे वॉइस भी थोड़ा बढ़ा लेना कि वो आवाज दो अच्छा। यहां पे मैंने वॉइस बढ़ा लिया कि वो आवाज अच्छा दे। तो फिर से आपको बैकग्राउंड आ जाना बैक। अंकित राज डीजे देख सकते हैं बोला अंकिता डीजे। आप भी इस तरह से बना लीजिएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश किया होगा, आप भी समझ गए होंगे। तो अपने हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड पीछे की ओर सब चीज बराबर कर लेना। बराबर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करते हैं ना, तो अपना वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर वाला आपका वीडियो होगा तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, अपने वीडियो को 3GP या कहाँ पे सेव करना चाहते हो, फुल HD जितना MB में आप सेव करना चाहते हो कर सकते हो। इसे बढ़ा घटा के अपने MB के हिसाब से
कर सकते हो। करने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो सेव हो रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत सा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल तो सब्सक्राइब बनता ही है, बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इससे पहले मेरा एक और यूट्यूब चैनल था जिसका नाम है बिंदास अंकित, जो हैक हो गया दोस्तों। इसी प्रकार के मैंने वीडियो बनाया था, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इस वीडियो में बना। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम।